कुछ बच्चों के मैसेज मिल रहे हैं कि सर आप हमेशा प्रशासन के अगेंस्ट ही बोलने के लिए क्यों उत्साहित करते हो? आप थोड़ा सा इसमें एडिट करो, प्रशासन के अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं मैं उत्साहित करता हूं, आप अपने हक के लिए बोलो इसके लिए उत्साहित करता हूं, आपके साथ गलत हो रहा है आप उस पर आवाज उठाओ इसके लिए उत्साहित करता हूं। मेरे को भला क्यों शौक लगेगा भाई कि मैं किसी के अगेंस्ट आपको बोलूं कि बेवजह बोलो। आपका एडमिशन है, आपको दर्द हो रहा है, आपको महसूस हो कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाओ, मेरे को लगता है कि गलत हो रहा है मैं आवाज उठाऊंगा। तो भाई ये इंस्टा पे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नाचने गाने से तो बेहतर ही है ना, अगर एंटरटेनमेंट के लिए नाच रहे हो गा रहे हो तो ठीक है वो एक टाइम एरा में अच्छा लगता है, लेकिन खुद को भूल के वो सब काम करने से तो बेहतर है ना कि हम कम से कम अपने शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। भाई आपका करियर एक्चुअली कहाँ बनना है? तो अपने आप में वायरल होना एक सक्सेस आज के समय में बन चुका है, लेकिन ये आप अपने अंदर से पूछो ना कि सही मायने में सफलता क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन है आज के पूरे यूथ को ये समझना पड़ेगा कि आप वो कहां पे, आप कहां बह रहे हो और फाइनली बह के किस नदी में जाना है, ये तमाम चीजें आप सभी को विचार करना पड़ेगा। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट बोलने के लिए उत्साहित करूं, ऐसा बिल्कुल, अगेंस्ट वाले तो बात ही खत्म कर दो। मैं बस चाहता हूं कि आप अपने हो रहे गलत के साथ, आपके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ छल कपट हो रहा है, आपके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, तो आप उसके लिए संवैधानिक तरीके से आवाज उठाओ। अगर मुझे उत्साहित करना होता तो मैं कहता आगे यहाँ पे थालियां पीटो, मैं कहता आगे यहाँ पे ग्लास पटक दो, मैं कहता आगे यहाँ पे गेट पे ताले लगा दो, मैं कहता आगे यहाँ पे कुछ नारे लगाओ, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैं क्या किया, खुद को मुझे देखो ना, मैं तो आपके लिए ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहा हूं, मैं तो संवैधानिक तरीके से आपके बात रख रहा हूं, आपके भले के लिए रख रहा हूं। कौन कौन इतना समय निकाल के आपके लिए आवाज उठाएगा भाई? आपके एडमिशन से लेना देना किसको फर्क पड़ता है? आपको पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा, आपके किसी खास मित्र को पड़ेगा, बाकी दुनिया अपने काम में बिजी है और हर कोई अपने काम में अपने फायदे के लिए देखेगा, लेकिन स्टिल आई एम हियर, आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू गाइस, सो प्लीज कम से कम सपोर्ट तो करो जो आपके लिए आवाज उठा रहा है। उल्टा मेरे को बोल रहा है सर आप हमेशा क्यों ऐसे उत्साहित करते हो? मैं उत्साहित कर रहा हूं लेकिन किस लिए कर रहा हूं अभी मैं बता चुका हूं। तो देखो ये है, आखिर BHU एडमिनिस्ट्रेशन PG काउंसलिंग पोर्टल से विड्रॉल का ऑप्शन क्यों रिमूव कर दिया? आप इस तरीके से अचानक अगर विड्रॉल करोगे तो ये देखो, अभी सुबह सुबह मैंने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा है BHU PG एडमिशन 2024 से जो छात्र भी अपना एडमिशन विड्रॉल करना चाहते हैं कृपया अपने नाम और कोर्स के साथ कमेंट करें, अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोट, ये वो छात्र हैं जिनको DU या कहीं और एडमिशन मिल गया है और कुछ छात्रों का अच्छा प्रिफरेंस नहीं मिला है। अब ये वीडियो अगर CSE देख रही है, CSE के मेंबर्स देख रहे हैं, BHU का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, प्रोफेसर्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑफिशियल्स लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जब आप अपने एडमिशन करा रहे हो ऐसे ही समय पे DU का भी कट ऑफ चल रहा है, ऐसे ही समय पे BBAU का भी फाइनल पोर्टल ऑन हो चुका है, SCU की कॉलिंग आ चुकी है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है अपने एडमिशन करा रही है। बच्चों को अगर शिफ्टिंग और आप ट्रांसफर से रोकोगे तो कहीं ना कहीं आप जबरदस्ती मनमाना ये न्यूज आर्टिकल छपवाओगे कि हमने फाइनली शत प्रतिशत सीट फुल कर लिया, लेकिन वो बच्चे आपके यहां पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको प्रेफरेबल कोर्स नहीं मिला है। किसी कोर्स की फीस बस 5,000 है और आप उसे जबरदस्ती पेड़ पे, जबकि वो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, वो गरीब परिवार से आता है, और आप उसे पेड़ पे एडमिशन देके आप उसे ये मजबूर करोगे कि हाँ पेड़ पे लेके पढ़ना पड़ेगा तो आपके एडमिशन विड्रॉल करना पड़ेगा चाहेगा। ध्यान दो, आपको ध्यान देना भी चाहिए कि हमारे इस सामाजिक परिवेश में हर एक वर्ग समुदाय के लोग आते हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे वाले परिवार के भी लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी हैं और ऐसे परिवार के लोग भी हैं जो मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, तो ऐसे में हर छात्र अपने पारिवारिक गतिविधियों को देख के ही एडमिशन लेगा। कोई ऐसा छात्र नहीं है जो कि ये देखेगा कि हाँ 50,000 का कोर्स है और वो उत्साहित होकर ले लेगा। तो मैं, खैर इसके बहुत सारी बातें हो सकती है, मैं इतना फिलोसफिकल नहीं होना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि ये आप कमेंट पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो चलो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या लिखा हुआ है? साक्षी एमए हिंदी बसंत कन्या, मैं एडमिशन विड्रॉल करवाना चाहता, देखो क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो ना।
भाई मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, ये लोग जो एकदम लॉजिकली एकदम बहुत ही कोई फेक नहीं है। आप अगर फेक बोलोगे ना तो मैं एक और काम करता हूँ, एक काम करो बच्चों, इनको लगेगा ना कि ये निरसर फेक काम कर रहे हैं, ये जो मयंक है, जो साक्षी है, ये जो सांभवी है, ये जो बाकी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, इन्हें लगेगा ये सब फेक बच्चे हैं। एक काम करो ना, इनको हम लोग बताते हैं कि हम लोग कैसे फेक है। इसी डिस्क्रिप्शन में ये ट्विटर आईडी का लिंक है, ये ट्विटर आईडी का लिंक है, आप इसको ओपन करो और इस ट्विटर को रिट्वीट मार के इसी के कमेंट बॉक्स में अपना नेम, अपना कोर्स मेंशन करके बोलो कि हाँ मैं एडमिशन विड्रॉल करना चाहता हूं। और ये जो बच्चे जो बहुत शांति से बैठे हुए हैं कि एडमिशन जिसको विड्रॉल कराना है तो उनका मुद्दा है भाई। आप एक बात बताओ, 100 बच्चों की कतार है, अगर उसमें 51 वाला बच्चा, 91 नंबर का बच्चा जो है, 51 नंबर का जो बच्चा है, 51 नंबर का जो बच्चा है, अगर वो बाहर हो जाता है तो भाई ये शिफ्टिंग 51 के पीछे जितने बच्चे उन सबकी हो जाएगी। तो आप ही क्यों सोच रहे हो, आप सपोज सपोज कि आज आप 61 पे खड़े हो, अगर ऊपर से एक बच्चा भी आपके ऊपर का गायब होता है तो आप 65 पे हो जाओगे। हो सकता है आप एक पावदान से बस आप पेड़ पे पाए गए थे सीट, हो सकता है आप रेगुलर पे हो जाओ, हो सकता है एक नंबर से आप एफिलेटेड में रुके हो, आप रेगुलर मेन कैंपस में हो सकते हो। तो भाई ये लॉजिक समझो ना, ये हर किसी के लिए है। और क्या आप अपने मित्रों के लिए मदद नहीं कर सकते हो? इस ट्वीट पे 500 से ज्यादा रिट्वीट होना चाहिए। आप अपने आईडी से भी रिट्वीट मारो और इस आईडी को भी जाकर रिट्वीट मारो, इस पोस्ट को जाकर रिट्वीट मारो, ठीक है? और इसी कमेंट में बताओ। और हाँ, जो बच्चे बहुत अच्छा राइटिंग करते हैं, मैं चाहता तो पूरे ऑफिशियल्स का मेल भी इसी वीडियो में डाल देता, जैसे बीएचओ, बीसी, डीआर एकेडमी, कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, बहुत सारे लोगों का, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि उनको हेल्दी मिले। आप लोग को मैं दे दूंगा तो चला, आप लोग भर भर इतने मेल कर दोगे कि वो सब ओपन भी नहीं करेंगे वो लोग। तो मैं चाहूंगा ना कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा राइटिंग करते हैं, प्लीज वो बच्चे क्या करें कि मुझे व्हाट्सअप कर दो, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा उसमें व्हाट्सअप कर दो कि सर मैं अच्छा राइटिंग करता हूँ या करती हूँ, मुझे मेल चाहिए, तो मैं आपको मेल दे दूंगा और अपनी प्रॉब्लम सीधे डायरेक्टली इनके ऑफिशियल मेल्स पे मेल कर दो, ठीक है? ज्यादा हम लोग वहां पे स्पैम नहीं कराएंगे, उन्हें ना लगे कि स्पैमिंग हो रहा है किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू, क्योंकि तो हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, इसीलिए मैं ओपनली बात कर रहा हूँ कि किसी को कोई एतराज हो तो भाई आप मेरे से डायरेक्टली बात कर लो ना, देख लो ना बच्चे डायरेक्टली मेरे से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे अगर 3 घंटे में, बस 3 घंटे के पोस्ट पे अगर यहाँ पे 32 लोग, यानी अगर इसमें 25 लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ सर हम एडमिशन विड्रॉल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब सोचो कि कितना बड़ा डेटा है। मतलब हजारों की संख्या में एडमिशन विड्रॉल अभी भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ 500 भी अगर विड्रॉल हो सकता है तो 500 बच्चे जो पीछे अभी कतार में खड़े हैं उनका भला हो सकता है। इस चीज को आप लोग समझो। सो प्लीज जाएं इस पोस्ट को रिट्वीट मारें, भर भर के मारें, इतना रिट्वीट मारो ना कि इन्हें समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। इन्हें रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो मेरे पे उंगली उठेगा कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम इन, जैसा आप में से कोई एक बच्चा मुझे बोला ना, ये लोग भी मुझे बोलेंगे कि तुम स्पैम करवाते हो, तुम फेक वीडियोस बनाते हो, ऐसा बोलेंगे मुझे। लेकिन ये तो लॉजिकली सही है ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि इतना डेयरिंग काम कौन कर रहा है, कोई है कर रहा, बताओ ना आपके लिए कौन आवाज उठा रहा है। 3 बार मैंने यहाँ पे चेंजेस ला दिया, बीएचयू एडमिशन कोटा नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था, कहीं ना कहीं ये लोग इस पे चुप्पी साधे हुए थे, आज इम्प्लीमेंट किया कि नहीं। फर्स्ट से सेकंड राउंड में जो इतना टाइम गैप गया था, क्यों गया था, उनके एरर को मैंने बता दिया, उस एरर को बिना सही का अगर किया आगे बढ़ते ना तो एडमिशन करा ही नहीं पाते। आज भी देखना ये लोग एडमिशन थर्ड राउंड आने से पहले अपने एरर को ठीक करने में लगे, क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो आज उठा रहे हैं, मैं और कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि लॉजिकली मेल करते हैं, मैं करता हूँ मेल, बैठ के मेल राइटिंग करता हूँ, मेल करता हूँ, ट्वीट करता हूँ, जो एक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवाज उठाने का तरीका है वो मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं खुद चाहता हूं कि पढ़े लिखे तरीके से, जो पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे तरीके से अपनी आवाज उठाए, तो प्लीज सपोर्ट तो करो कम से कम। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, गाइस सपोर्ट जरूर करिएगा, रिट्वीट जरूर मारिएगा, अकाउंट बनाओ, रिट्वीट मारो। जो लोग बोल रहे हैं हमारे पास अकाउंट नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है यहाँ पे एक्स, आप इसको इंस्टॉल करो, आईडी बनाओ, रिट्वीट मारो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बाकी आप लोग हेल्थ काउंसलिंग वाला से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी नंबर है, वहां पे भी आप लोग पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।